डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इमोशंस के बारे में। इमोशंस में हम लोगों को क्या मिला था? इमोशंस हम लोगों का कुछ साइकोफिजिकल एक्सपीरियंसेस है जो हम लोगों के बॉडी और माइंड दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। और हम लोगों का जो इमोशंस है वो क्या है? एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड एक्सपीरियंसेस है हम लोगों का, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इंस्टिंक्ट और इमोशंस में क्या क्या डिफरेंसेस है। इंस्टिंक्ट तुम लोगों को याद है कि हम लोगों का कुछ टिपिकल वो टेंडेंसीज होता है जो हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि डर लगने से छुपते हैं, भूख लगने से खाना खाते हैं, लॉन्ली जब फील करते हैं तब सोशल हो जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग कुछ मतलब मन में कुछ जानने का वो होता है तब क्यूरियस हो जाते हैं। तो ये सारा हम लोग का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। तो अब हम देखते हैं इंस्टिंक्ट और इमोशंस का डिफरेंस। इधर हम लोग लिखेंगे इंस्टिंक्ट और इधर लिखते हैं इमोशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं इंस्टिंक्ट्स मोटिवेट्स आस टू एक्ट, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इमोशन मोटिवेट आस टू फील। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला फर्स्ट पॉइंट कि इंस्टिंक्ट जो है, इंस्टिंक्ट क्या करता है? इंस्टिंक्ट मोटिवेट्स अस टू एक्ट, मतलब कुछ करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करता है। जैसे कि जब कुछ जानने का मन करता है तब हम लोग क्या काम करते हैं? कुछ एक्ट, मतलब कुछ एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं? वो चीज जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वो चीज के बारे में किसी से पूछते हैं या खुद ही उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वो सारा कुछ एक्टिविटी या एक्ट करते हैं। जैसे कि खाना, भूख लगने से हम लोग खाना खोजते हैं, तो एक एक्ट है कि नहीं? इसलिए बोला गया कि इंस्टिंक्ट हम लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। और इसका अपोजिट हम लोगों को इमोशन में क्या मिला? इमोशन मोटिवेट अस टू फील। हम लोग का जो इमोशंस है जैसे कि लव, फियर, ये सब क्या है? ये सब हम लोग फील करते हैं। जैसे कि हम लोग को प्लेजर, ये सारा फील होता है, एंगर, ठीक है। जितना भी हम लोग का इमोशंस है वो हम लोग फील करते हैं, और इंस्टिंक्ट में हम लोग कुछ एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि इंस्टिंक्ट मोटिवेट्स अस टू एक्ट और इमोशन मोटिवेट्स अस टू फील। सेकेंड पॉइंट में यहां पे है इंस्टिंक्ट्स आर डायरेक्टेड टू टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्ट थिंग्स। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इमोशन आर डायरेक्टेड टू इंटरनल एक्सपीरियंस, दैट इज फीलिंग्स। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट से जैसे कि रिलेटेड है, इंस्टिंक्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ एक्सट्रोवर्ट थिंग, मतलब कुछ बाहर का चीजों में हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि कुछ भी काम, जब हम लोग कुछ इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी, जो इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? एक्सट्रोवर्ट थिंग्स, मतलब बाहर के दुनिया के साथ, जैसे कि लोगों से जाके मिलना, ये हम लोगों का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है। जब हम लोग अकेला फील करते हैं लोगों से जाके मिलते हैं, जब हम लोग डरते हैं तो छुप जाते हैं। कहाँ छुपते हैं? मतलब बाहर की दुनिया के साथ वो रिलेटेड है, वो इंटरनल एक्सपीरियंसेस ये सारा नहीं है। जैसे कि हम लोग कुछ एक्ट करते हैं तो एक्ट हम लोग कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं, अपने अंदर नहीं, ठीक है। लेकिन उसका ऑपोजिट इमोशन क्या करते?
पढ़ते हैं इमोशन आर डायरेक्टेड टू इंटरनल एक्सपीरियंस दैट इज फीलिंग, ये फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है और हम लोग का फीलिंग सारा ये सब क्या है इंटरनल एक्सपीरियंस, मतलब हम लोगों का जो फीलिंग्स है वो दूसरा कोई फील नहीं कर सकता, मतलब वो देख के ऐसे बोल नहीं सकता या हम लोग वो बाहर नहीं दिखा सकते कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं। तो यही बोला गया कि ये जो इमोशंस है इमोशन इंटरनल एक्सपीरियंस जैसे कि फीलिंग ये सारा हम लोग फील करते हैं इंटरनली, लेकिन इंस्टिंक्ट में क्या होता है हम लोग एक्सट्रोवर्ट थिंग मतलब बाहर जो है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग को डिरेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट में बोला गया इंस्टिंक्ट्स स्टिमुलेट साइकोफिजिकल रिएक्शन, और इमोशन में इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू बिहेवियर। तो हम लोगों का जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है जो हम लोगों का इंस्टिंक्ट है वो क्या करता है हम लोगों के द्वारा क्या करता है कुछ साइकोफिजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ साइकोफिजिकल मतलब कभी भी साइकोलॉजिकल होता है और कभी भी फिजिकल एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं। ऑलरेडी बहुत बार मैंने एग्जांपल दे चुकी हूँ कि हम लोग का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज क्या है, तो वो सारा टेंडेंसीज हम लोगों को क्या स्टिमुलेट करता है कि कुछ साइकोफिजिकल हम लोग रिएक्शंस दे एक्टिविटीज करें, ओके। और इमोशन क्या करता है हम लोग का बिहेवियर से, मतलब ये सिर्फ हम लोग का जो फिजिकल रिएक्शंस है जो हम लोग बिहेव करते हैं जो बाहर एक्सप्रेस करते हैं वही सब देख के क्या करते हैं हम लोग का फीलिंग्स, जैसे कि मैं सपोज दुखी हूँ सोरो या पेन में हूँ अगर तो मैं क्या एक्सप्रेस करूंगी, मैं या तो रोऊंगी या किसी से जाके जब वो शेयर करूंगी, मतलब मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगी उसको रो के, तो वो जो रोना मेरा जो एक्सप्रेशन है ये मेरा जो बिहेवियर मतलब बाहर जो एक्सप्रेस कर रही हूँ उससे मतलब लोगों को क्या पता चलेगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। तो इसीलिए बोला गया कि हम लोग का जो इमोशंस है ये हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं बिहेवियर से, हम लोग जैसे बिहेव करते हैं उससे हम लोगों का फीलिंग्स का पता चलता है। जब हम लोग बहुत खुश रहते हैं उस हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो इंस्टिंक्ट है इंस्टिंक्ट कैसे क्या करवाते हैं हम लोग को कुछ साइकोफिजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है पॉइंट नंबर 4, इंस्टिंक्ट्स आर यूनिवर्सल। यहाँ पे है इमोशनल रिएक्शंस में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इंस्टिंक्ट में क्या मिला इंस्टिंक्ट्स आर यूनिवर्सल मतलब ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है, जैसे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेम इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी करता है, जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूख लगता है तो वो क्या करता है सीकिंग फॉर फूड उसका जो इंस्टिंक्ट है, और फियर मतलब डर जब लगता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है एस्केप मतलब उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, और जब कुछ जानने या तो एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है लेकिन सबका जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है वो यूनिवर्सल मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम है। नेक्स्ट है इमोशन में इमोशनल रिएक्शंस आर डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और हम लोगों का जो इमोशनल रिएक्शंस है सबके पास इमोशंस है जैसे कि लव फियर सोरो ये सारे इमोशन सबके पास है, लेकिन उस इमोशंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो
डिफरेंट होता है, अलग अलग मतलब इंडिविजुअल है तो वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं खुद को जब मैं दुखी होती हूँ या तो मैं रोती हूँ और कोई दूसरा कोई या तो क्या करता है, चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता है। मतलब हम लोग का एक्सप्रेस करने का तरीका, रिएक्शन देने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है सबका, वो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन हम लोग का जो इंस्टिंक्ट है वो क्या है, यूनिवर्सल है। ओके, लास्ट पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे जगह नहीं है। लास्ट पॉइंट नंबर 5, इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस आर जो है हम लोग का वो क्या है, वायलेंट है। इट इज ए वायलेंट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो हम लोग का जो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज है वो सारा क्या है, इंस्टिंक्टिव जो रिएक्शंस है ये सारा वायलेंट नहीं है। सपोज यहाँ पे नॉट होगा, ये वायलेंट नहीं होता है। हम लोगों का जो भी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी का एग्जांपल दिया वो सारा वायलेंट नहीं है, वो हम लोगों को कभी भी हार्म नहीं करता है। लेकिन हम लोगों का जो इमोशंस है, जब हम लोग एक्सेसिव इमोशनल हो जाते हैं, हम लोगों का अनकंट्रोल जब इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम लोगों का क्या होता है, वायलेंट हो जाते हैं। हम लोग खुद को कभी कभी हार्म भी कर देते हैं, हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए बोला गया कि इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस वायलेंट नहीं है, लेकिन जो हम लोग का इमोशनल रिएक्शंस है वो क्या है, वायलेंट है बहुत। ठीक है, तो ये 5 मिला हम लोगों को इसका डिफरेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा सेंटिमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले ये जो 3 चीज हम लोगों को मिला, एक मिला पहले इंस्टिंक्ट, फिर मिला रिफ्लेक्स एक्शन, और अब मिला इमोशन, नेक्स्ट टॉपिक सेंटिमेंट। ये सब थोड़ा बहुत क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, सबके बीच थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम लोग पूरा अच्छे से समझ लेना सबका कंसेप्ट। ओके, तो इंस्टिंक्ट पहले हम लोगों को मिला था कि इंस्टिंक्ट या इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी जो है वो क्या है, वो हम लोगों का सर्टेन टेंडेंसीज या रेस्पॉन्सेस होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कुछ टिपिकल रिएक्शंस देते हैं। सभी सिचुएशन में हम लोग सेम तरीके से क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल दिया, जैसे कि भूख लगने से खाना ढूंढते हैं, इसके बाद डर लगने से छुप जाते हैं, कुछ जानने का मजिज्ञास जो होते हैं, तो क्या होता है, तब हम लोग कुछ वो वंडर जो हम लोग का इमोशन है उसके साथ हम लोग का क्यूरियसिटी जुड़ा हुआ है। इसके बाद और भी है, जैसे कि जब लॉन्लीनेस, एक एग्जाम्पल दिया, जब हम लोग लॉन्ली फील करते हैं, हम लोग लोगों से जाके बातें करते हैं, मिलते हैं या कुछ जो भी करते हैं, तो ये सारा क्या है, देखो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो यही सब हम लोगों का क्या है, इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी। और ये सारा इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी जो है वो इनबॉर्न टेंडेंसीज है, मतलब जन्म के साथ ही सब ये सारा सबको मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का इंस्टिंक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को मिला था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोग को क्या मिला था कि जब फिजिकल एनवायरमेंट में कुछ चेंज होता है, एनवायरमेंट में जब कुछ चेंज होता है और उसी चेंज के वजह से जब हम लोगों के फिजिकल कुछ रिएक्शंस में चेंजेस होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी रिफ्लेक्सेस, दोनों सेम है। तो उसमें एग्जांपल दिया था कि ब्राइट लाइट जब होता है, आंख में आता है, तो हम लोग आईलिड्स से ब्लिंक करते हैं, नाक में कुछ मतलब यार में चेंज होने से, धूल वगैरह होने से हम लोग स्नीज करते हैं, तो ये सारा क्या है। और स्किन, जैसे कि हम लोगों का, और ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन है ये हम लोग का सेंसोरी ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आंख में कुछ गिरने से ब्लिंक करते हैं, नाक में कुछ गुजरने से स्नीज करते हैं, स्किन में कुछ फील करने से, हीट या पेन ये सारा फील करने से उसी जगह पे हम लोग ध्यान देते हैं, मच्छर वच्छर काटने से हम लोग मारते हैं, तो ये सारा जो है ये क्या है, हम लोगों का एक मोमेंटरी मतलब बहुत ही छोटा समय तक, 1-2 सेकंड के लिए जो रहता है सिर्फ, और वो सारा हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन से, आईलिड्स
आंख में कुछ गिरने से हम लोग एक दो बार ऐसे एक दो सेकंड क्या करते हैं, आईलिड्स को ब्लिंक करते हैं ब्राइट लाइट गिरने से, स्नीज करने से भी एक दो सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्नीज करते हैं। तो ये सारा हम लोगों का कुछ फिजिकल रिएक्शंस है जिससे हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल कोई प्रेशर या कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को आज मिला इमोशंस के बारे में। इमोशन जो क्या है, बहुत ही हम लोगों को मेंटल डेवलपमेंट या मेंटली बहुत हम लोगों को क्या करता है, इसमें इन्फ्लुएंस करता है, बॉडी एज वेल एज मेंटल इन्फ्लुएंस इसका है। तो इमोशन जब एक्सेसिव हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तब हम लोग कभी खुद को हार्म करते हैं, मतलब हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाता है, एक्सेसिव इमोशन खतरा हो सकता है। तो इमोशंस क्या है, हम लोगों का एग्जाम्पल मिला लव, सोरो, एंगर, ये सारा हम लोगों का क्या है, इमोशंस जो कि हम लोगों का अनकंट्रोल एक्सेसिव कुछ वो होता है, फीलिंग्स होता है, ये हम लोग फील करते हैं। ठीक है, सिर्फ यही गया हम लोगों का तीन टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटिमेंट्स के बारे में, और डिफरेंसेस भी तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इंस्टिंक्ट क्या करता है, इंस्टिंक्ट जो टेंडेंसीज है ये वायलेंट नहीं होता है, हम लोग हार्मफुल नहीं होता है हम लोगों के लिए, लेकिन जो इमोशंस है वो इमोशन जब एक्सेसिव हो जाता है तब हम लोग वायलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट मिला था इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्ट क्या करता है, हम लोग को कुछ एक्ट करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करता है, और इमोशन हम लोगों को मोटिवेट करता है कुछ, मतलब फील करवाता है, हम लोग इमोशंस को फील करते हैं। नेक्स्ट इंस्टिंक्ट क्या करता है, कुछ एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर के दुनिया के साथ रिलेटेड है, और इमोशन हम लोग इंटरनली मतलब हम लोग ही फील कर पाते हैं। नेक्स्ट मिला इंस्टिंक्ट, ये क्या करता है, हम लोगों से कुछ साइकोफिजिकल रिएक्शंस करवाता है, मतलब कभी भी साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, कभी भी फिजिकल रिएक्शंस भी करवाता है, लेकिन ये जो है ये हम लोगों का बिहेवियर से एक्सप्रेस किया जाता है, हम लोगों का जो भी फीलिंग्स होता है उस फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम लोगों का बिहेवियर से। लास्ट मिले इंस्टिंक्ट और यूनिवर्सल, सभी सभी का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सेम है, लेकिन हम लोग का जो इमोशंस है वो सबका सेम नहीं है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होने से तुम लोग बोलना। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में दे देना। ओके, थैंक यू।